क्योंकि जब हम लास्ट वाले अक्षर पे अगर कोई मात्रा होती है हिंदी में तो बीच वाले का साउंड जो है बहुत कम आता है, यानी आधे अक्षर के बराबर। जैसे हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें दोनों का साउंड पूरा आएगा, लास्ट वाले अक्षर का आधा आएगा। कमल, कमल है ना, ल का साउंड कम आता। अब इसमें आ की मात्रा है किस पे, लास्ट अक्षर पे, तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे, कमला कमला कमला, यानी म का साउंड दब जाता है, तो इसलिए हम यहां पर ए नहीं लगाते हैं। आ की मात्रा है या ई की मात्रा है तो ल से लिखेंगे ए। अब जिसकी मात्रा है, अगर आ की मात्रा है तो ए लगा दीजिए, छोटी ई की मात्रा होती तो आई लगा देते, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, कमला कमला। तीन अक्षर वाला शब्द होता है जब और लास्ट में आ की मात्रा या किसी की भी मात्रा लास्ट अक्षर पे है तो बीच वाले अक्षर में हम ए नहीं लगाते। हाय दोस्तों, मैं सुखवीर और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मात्रा वाले हिंदी नामों को लिखना और पढ़ना। यानी जब भी हम हिंदी में मात्रा वाले नाम लिखते हैं तो कहां पर ए लगाने हैं, कहां पर नहीं लगानी है, किस तरह से लिखते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको सारी डिटेल बताएंगे। जब भी हम बिना मात्रा वाला नाम लिखते हैं दो अक्षर का, तो हम हमेशा जैसे रम, तो र से लिखते हैं क्या, आर ए, और म से एम, रम। अगर मात्रा इस पे आ की है, जैसे ये रहा, दो अक्षर वाला बिना मात्रा का कोई शब्द लिखते हैं हिंदी में तो उसके बाद पहले अक्षर में ए लगाते हैं, दूसरे में ए नहीं लगाते हैं। अब देखिए मात्रा वाला, तो इसको भी हम सेम तरह से ही बनाते हैं, र आ की मात्रा के लिए ए और म से एम, लेकिन हम यहां पर एक ए बीच में और लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी गलत नहीं होगा। लेकिन अब एक ही ए से काम चल जाता है तो दो ए लगाने की जरूरत नहीं है। रामा, अब यहां पे म पे मैंने पीछे एक ही मात्रा, सॉरी मात्रा नहीं है इसलिए ए नहीं लगाया है। अब रसे आर मात्रा के लिए ए और मसे एम, अब इस पे आ की मात्रा है तो आ की मात्रा से हम क्या लगाते हैं, ए, रामा। अब आ जाइए तीन नंबर, तीन अक्षर वाले शब्दों में, कमल कैसे लिखेंगे, के ए मसे एम ए और लसे एल, यानी तीन अक्षर वाला शब्द हम जब भी लिखते हैं नाम तो पहले अक्षर में ए लगाते हैं, दूसरे अक्षर में ए लगाते हैं, कब, जब इन पर कोई मात्रा नहीं है तब। अब अगर मात्रा है लास्ट अक्षर वाले में, जैसे कसे, अब यहां पर क्या लिखा है, कमला, तो कसे लिखेंगे, के ए के ए और मसे एम, अब यहां पर लास्ट अक्षर में क्या है, मात्रा, तो हम दूसरे वाले अक्षर पर ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब हम लास्ट वाले अक्षर पे अगर कोई मात्रा होती है हिंदी में तो बीच वाले का साउंड जो है बहुत कम आता है, यानी आधे अक्षर के बराबर। जैसे हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें दोनों का साउंड पूरा आएगा, लास्ट वाले अक्षर का आधा आएगा। कमल, कमल है ना, ल का साउंड कम आता। अब इसमें आ की मात्रा है किस पे, लास्ट अक्षर पे, तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे, कमला कमला कमला, यानी म का साउंड दब जाता है, तो इसलिए हम यहां पर ए नहीं लगाते हैं। आ की मात्रा है या ई की मात्रा है तो ल से लिखेंगे ए। अब जिसकी मात्रा है, अगर आ की मात्रा है तो ए लगा दीजिए, छोटी ई की मात्रा होती तो आई लगा देते, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, कमला कमला। तीन अक्षर वाला शब्द होता है जब और लास्ट में आ की मात्रा या किसी की भी मात्रा लास्ट अक्षर पे है तो बीच वाले अक्षर में हम ए नहीं लगाते। अब यहां पर देखिए कोमल, तो कैसे लिखेंगे, के
अब ए नहीं लगाना क्योंकि कपे ओ की मात्रा है, तो अब देखिए ओ से क्या बनता है, ओ से बनता है ओ, तो हम यहाँ पे ओ की मात्रा के लिए ओ लगाएंगे, या तो ओ बना हो या ओ की मात्रा हो, हम दोनों जगह क्या लगाएंगे ओ। म, म से एम, अब पीछे वाले अक्षर पे मात्रा नहीं है तो दूसरे वाले अक्षर पर ए लगा देंगे और लास्ट अक्षर पर ए नहीं लगाएंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे कोमल। अशोक, असे क्या लिखेंगे ए, यानी जितने भी ये होते हैं स्वर तो इनमें कभी भी इनके साथ ए नहीं आता है, जैसे आ आया है तो असे केवल ए ही लिखेंगे, अगर यहां पर ए आता तो केवल ई ही लिखते, ई के बाद ए नहीं लगाते, इनमें हम ए नहीं लगाते, का से ज्ञा तक जितने भी व्यंजन होते हैं उनमें हम ए लगाते हैं हमेशा। इस से क्या लिखते हैं एस, एच और ओ की मात्रा के लिए, सॉरी एस एच लिख दिया ससे, अब इस पे किसकी मात्रा है ओ की, क्योंकि ए नहीं लगाएंगे क्योंकि सा पे मात्रा है, किसकी है ओ की, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे ओ। क, कैसे लिखेंगे के, इस पे कोई मात्रा नहीं है तो केवल क लिखेंगे, अशोक। इसके बाद में चार अक्षर वाला शब्द, चार अक्षर वाला बिना मात्रा का जब भी शब्द लिखते हैं तो पहले इसको बनाते हैं इसकी तरह, पहले के दो अक्षर इसकी तरह फिर लास्ट के दो अक्षर इसकी तरह, तो पहले बनाएंगे इसकी तरह सर, तो एस ए आर, अब ए नहीं लगाएंगे, सर गम, सर गम यानी र का आधा साउंड आता है और म का आधा साउंड आता है, अब ग से लिखेंगे जी ए और म से एम, सरगम, इसको हम क्या पढ़ेंगे सरगम। कमलेश, कसे पहले बनाएंगे दो अक्षर, अगर इस पे मात्रा होती, अगर इस पे मात्रा होती तब हम यहां पर एम के बाद कुछ लगाते, कसे लिखेंगे के ए और म से एम, अब ए नहीं लगाएंगे यहां पर क्योंकि कम, अब बनाएंगे लेस, तो ल से एल, अब ए नहीं लगाना क्योंकि ल पे ए की मात्रा लगी हुई है, ए की मात्रा ये रही, यानी मात्रा यहां पर नहीं लिखी, चले लिख देते हैं आ की मात्रा, ये होती है ई की मात्रा, ये होती है पीछे से डंडा खींच के बड़ी ई की मात्रा, छोटे उ की मात्रा, बड़े उ की मात्रा, छोटी ए की मात्रा यानी अक्षर के ऊपर और बड़ी ए की मात्रा अक्षर के ऊपर दो, और ओ की मात्रा डंडा खींच के एक मात्रा, और औ की डंडा खींच के दो मात्रा, और अंक की ऊपर बिंदी और इसकी पीछे बिंदी, ठीक है इस तरह से हम इसका। अब यहां पर ल, ल पे किसकी मात्रा है, एक मात्रा है ऊपर, तो एक मात्रा किसकी होती है ए की, तो एक क्या लिखते हैं ई, ई एस, इससे क्या लिखते हैं एस एच, ये नहीं लगाएंगे अब इसमें पीछे क्योंकि लास्ट अक्षर है, और दूसरी बात इसके पीछे अब कुछ लगाना नहीं है क्योंकि इस पे किसी की मात्रा नहीं है। सुरेंद्र, सु एस, अब इस पे क्या है मात्रा, किसकी मात्रा है, इस तरह से किसकी मात्रा लगाते हैं, इस तरह से किसकी मात्रा लगाते हैं, कौन सी मात्रा है ये उ की, तो स से लिखेंगे एस और एस पे है मात्रा उ की, तो क्या लिखेंगे यू। र, र से लिखेंगे आर, अब र पे भी मात्रा है, किसकी मात्रा है, एक मात्रा ऊपर किसकी है, एक मात्रा ऊपर ए की लगती है, तो यहां पर क्या लिखेंगे ई, अब क्या है, अब है आधा न, तो आधा न के लिए हम क्या लगाएंगे एन, आधे न के लिए मैंने बताया है आपको पहले, अगर एन के साथ ए नहीं है तो आधे न का मतलब हो गया। द्र, द से लिखते हैं डी, अब र के लिए, इसमें रवि तो निकला है ना द्र, तो आर,
और हमेशा जब भी दृ लास्ट में आता है तो हम हमेशा ए लगा देते। यूपी में हमेशा ए लगता है, लेकिन हरियाणा में क्या लगाते हैं? हरियाणा में बताता हूं आपको, एस यू आर ई एन, उसको हम दृ को क्या पढ़ते हैं? दर पढ़ते हैं, डी डी ई आर, हरियाणा में इस तरह से लिखते हैं डी ई आर। दृ को पीछे किस तरह से लिखते हैं? डी ई आर, वो दृ नहीं लिखते, दर लिखते हैं सीधा। पुष्पेंद्र, पसे पी, अब इस पे मात्रा लगी हुई है, किसकी मात्रा लगी है? छोटे ऊ की, तो छोटे ऊ से क्या लिखते हैं? यू पू। अब इसमें क्या बना है? आधा स, कौन सा? षटकोण वाला स, ये स होता है ना, इसको जब हम आधा बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या लिखते हैं हम? एस एच, एस एच। अब इसमें ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर ए लगा देंगे तो पूरा स हो जाएगा। प, प से फिर लिखेंगे पी, अब फिर इस पे मात्रा है, अब इस पे किसकी मात्रा है? ए की, तो ए की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे? ई द्र, द्र को हमने बताया, अभी तो एन लगेगा, न के लिए एन और डी, द्र के लिए डी आर ए। अब इसके बाद है सुनीता, हर्षित, हर्षित। अब देखिए इसमें तीनों अक्षर में मात्राएं हैं, तीनों में, तो स से क्या लिखेंगे? एस यू, ऊ की मात्रा के लिए क्या? यू। अब न से क्या लिखेंगे? एन। अब इसमें मात्रा लगी हुई है, किसकी मात्रा लगी है? इस तरह से किसकी मात्रा लगाते हैं? देखिए इसमें कहां पे है? ये रही, इसी तरह की मात्रा है ना, अक्षर के पीछे। इसमें क्या लिखते हैं? डबल ई। अब तो यहां पर लगेंगे डबल ई, तो तसे क्या लिखते हैं? टी। अब इसमें मात्रा भी लगी है, मात्रा किसकी लगी है? आ के, तो ए भी लगा देंगे। इसको हम क्या पढ़ेंगे? सुनीता, सुनीता। हर्षित, हसे क्या लिखते हैं? एच, और ये पहला अक्षर है, इस पे मात्रा भी नहीं है, तो ए लगाएंगे, लगाएंगे हर। अब क्या लगाएंगे? अब इसमें जो र निकला हुआ है, इसका उच्चारण जिस अक्षर पे र निकलता है ऊपर, वो र उस अक्षर से पहले आता है। अब जैसे आप पढ़ेंगे हर र से त, हर सित, है ना, स से पहले आ रहा है हर से त, तो पहले र का लगाएंगे, र का क्या लगाएंगे? आर। हर से एस एच, स के लिए, अब लगाएंगे मात्रा के लिए, तो मात्रा किसकी है इस पे? ये मात्रा किसकी लगी हुई है? ये रही, छोटी की, तो इस पे क्या लिखते हैं? आई। और तसे टी, हर्षित। इस तरह से हम मात्रा वाले हिंदी नाम लिखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।